हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम शुरू में देखने वाले हैं दोस्तों गैलेक्सी S8 S8 Plus का जो वायरलेस चार्जर है, जो आप गैलेक्सी S8 और डिवाइसेस के साथ आपने जो प्री बुक में फ्री ऑफर में पाया होगा तो वो हम देखेंगे। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है कि ये वायरलेस है कि वायर्ड है क्या है। तो मैंने आपको कुछ वीडियो में दिखाया है पहले कि गैलेक्सी S8 में कुछ टेम्परेचर लिमिटेशन है, जैसे कि अगर आप 36 डिग्री से ज़्यादा आपका बैटरी टेम्परेचर हो जाता है तो फास्ट चार्जिंग डिसेबल हो जाती है, ये उनके बुकलेट में भी लिखा हुआ है। और अगर आपके फ़ोन के टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो आपके फ़ोन के ऐप्स क्लोज होने लगते हैं। तो हम देखेंगे ये फास्ट चार्जर कैसा है, इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, तभी ये इनिशियल इंप्रेशन है, डिटेल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। तो ये रहा बॉक्स, इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फास्टर चार्जिंग टेक्नोलॉजी। सो आप 10 मिनट के चार्ज में आपका आपको डिटेल्स दे रखा है, कितने मिनट का वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, इतनी चैटिंग कर सकते हैं, इतना और भी कुछ कर सकते हैं। तो वायरलेस चार्जर कन्वर्टेबल है, मतलब आप इसको ऐसे डॉक की तरह मोबाइल स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं या ऐसे पैड की तरह रख के कर सकते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये रहा आपकी कंटेंट, इसमें आपको एक इसमें लिखा हुआ है फास्ट चार्जर, तो ये इसीलिए मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। और साथ में आपको एक छोटा सा ये माइक्रो USB 2 USB टाइप सी डोंगल मिलेगा, अगर आप किसी और चार्जर करना चाहते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है आप सैमसंग चार्जर यूज़ करें। साथ में एक बुकलेट भी है। तो दोस्तों ये रहा चार्जर हमारा, इसको आप देखिए ऐसे यूज़ करते हैं, इसको आप स्लाइड करेंगे और इसको हल्का सा घुमा के मोड़िए तो ये ऐसे आपको डॉक स्टैंड बन जाता है। तो आप चाहे तो फ़ोन को ऐसे रख के चार्ज कर सकते हैं, अगर आप सामने देखिए काम करना पसंद करते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हर तरह से चार्ज करना चाहिए। तो हम टेस्ट करेंगे कि किस कंडीशन में ये फ़ोन चार्ज होता है, कितना देर कहाँ रखना चाहिए, सेंटर पर, राइट में, लेफ्ट में, कहाँ भी। और इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके इसको हल्का सा पुश करिए और फिर रख दीजिए और आप कोशिश करिए सेंटर पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा चार्जर, हम इसको टेस्ट करेंगे पॉसिबल कंडीशन में। तो मैंने इसको प्लग कर रखा ऑलरेडी सैमसंग चार्जर से। तो देखिए सेंटर पर रखते हैं तो 2 से 3 सेकंड लेता है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उसमें लिख के दिखाता है फास्ट वायरलेसली चार्जिंग, ऐसे लिख के आता है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो वो चार्जिंग पॉज हो जाती है उसकी। तो थोड़ा सा इधर रखते हैं, देखिए चार्जर डिस्कनेक्टेड लिख के आ गया है। तो एकदम एडजस्ट पे आप नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि सेंटर में लगभग आधी इंच की कॉइल होती है, लगभग आधी इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी होती है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं जहाँ तक फास्ट चार्जिंग लिखा है आपको उसको कवर करना, आप ये कोशिश करिए। तो चलिए डॉक बना के रखते हैं। तो ये ऐसे आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके आप आयरस के थ्रू अनलॉक भी कर सकते हैं वो बटन दबा के। और थोड़ा सा टाइम लेता है चूँकि वायरलेस चार्जर है, इतना थोड़ा टाइम तो लेगा। और देखिए सेंटर पर रखिए, तो थोड़ा सा उसको टर्न करते हैं, देखते हैं ऐसे चार्ज उतर नहीं होता है। तो देखिए ऐसे भी चार्ज हो रहा है। तो इंडक्शन कॉइल बीच में होती है तो आपको फास्ट चार्जिंग जहाँ लिखा है वो आपको कवर करना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपका फ़ोन अच्छे से पैक कर देगा। तो दोबारा खड़ा करते हैं, तो देखिए ऐसा है, इस तरह चार्ज होता है। तब हम इसको आपको पास से दिखाता हूँ, देखिए ऐसा दिखता है। तो हम टाइम देखते हैं कितना दिखा रहा है, तो इसमें दिखा रहा है 2 घंटे 32 मिनट। तो ये बहुत ज़्यादा, जब भी आप अपने गैलेक्सी S8 के वायर्ड चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपको वो दिखाएगा 1 घंटा 38 से 39 मिनट, जो कि 100 मिनट का चार्जिंग होता है। तो यहाँ पे ये वो रेट नहीं है जो कि मैंने अपने पहले टेस्ट में दिखाया था कि फास्ट चार्जिंग में 1 मिनट में 1% होता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे अभी, इसलिए थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए चेक करते हैं, देखते हैं कि चार्जिंग होती नहीं होती ढंग से। तो चलिए अपना हम एक टेस्ट लगाते हैं 5 मिनट पर, देखते हैं कितना चार्ज होता है। तो ये मैंने अपना देखिए फ़ोन लगा रखा है 5 मिनट के लिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ 8x स्पीड पे। तो चूँकि मैं पहले इसको देख चुका हूँ तो मैं आपको रेट बताता हूँ। तो इसमें चार्जिंग रेट आपको जो मिलेगी वो आपको है लगभग 1.6 मिनट, आप 1.5 मिनट से ज़्यादा ले लीजिए, 1.6 मिनट में आपको 1% की बैटरी टॉपअप मिल रही है इसमें। तो आप उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो गया 160 मिनट प्लस, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट के आसपास से लेकर 3 घंटे तक का आपको चार्जिंग टाइम मिल सकता है, जो कि फास्ट चार्जिंग में आई डोंट नो इतना होना चाहिए। अगर वायर चार्जिंग से करिए तो आपको 100 मिनट मिलता है, यहाँ आपको 300 मिनट मिल रहा है, 3 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको डिटेल टेस्ट दिखाऊंगा आगे कैसा होता है, कितना 100% टाइप करने लगता है, और कोई बैटरी में टेम्परेचर इश्यूज़ है कि नहीं है। दोस्तों ये था इसी वीडियो में, हम आगे इस टेस्ट को देखेंगे करेंगे। तो फिलहाल के लिए वायरलेस चार्जिंग इतना इफेक्टिव तो नहीं लग रहा है गैलेक्सी में, क्योंकि आपको एडाप्टर भी कैरी करना पड़ रहा है और ये 3 घंटा ले भी रहा है लगभग। तो फिर भी मैं डिटेल रिपोर्ट आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों बहुत जल्दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।